देश में भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों में भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा अर्चना होती है। राजस्थान के सिरोही जिले में एक प्राचीन शिव मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं माउंट आबू के अचलगढ़ स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर की। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना बताया जाता है। माउंट आबू ऋषि वशिष्ठ की तपोस्थली है। इस मंदिर के बारे में शिव पुराण व स्कंद पुराण के अर्बुद खंड में भी उल्लेख किया हुआ है। मंदिर में कई प्राचीन प्रतिमाएं हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दो हाथी की मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर के अंदर मुख्य मंदिर के अलावा कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। मुख्य मंदिर में एक शिलालेख लगा है जिसे प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है। मुख्य मंदिर के बाहर परिसर में एक पंच धातु की नंदी की प्रतिमा लगी हुई है जिसकी पूजा अर्चना यहाँ की जाती है। मुख्य मंदिर के अंदर 108 छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। आसपास कई प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित है। गर्भगृह में अर्बुद नाग की प्रतिमा के बीच एक गहरी खाई बनी हुई है। इस खाई के अंदर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। इस खाई में जितना भी जल अर्पित किया जाता है लेकिन ये खाई कभी भरती नहीं है। गर्भगृह में महाराजा कुंभा द्वारा स्थापित काल भैरव समेत कई प्रतिमा यहाँ स्थापित है। मंदिर के पुजारी पन्नालाल रावल ने बताया कि मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। अचलगढ़ महादेव है, हजारों वर्ष पुराने महादेव है। उनका शिव महापुराण में भी कथा है, शिव पुराण में भी है, अर्बुद खंड में भी है। पैर के अंगूठे का शिव पुराण में तो एक भील की कथा है। अच्छा, अर्बुद खंड में आबू की उपति है कि यहाँ पहले रेगिस्तान था, समतल भूमि होती थी, महर्षि वशिष्ठ की पाठशाला थी, वहाँ सब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तब सब की शिक्षा पूरी हुई, सब जाने लगे थे तो ऋषियों को गुरु दक्षिणा दे रहे थे। ऋषि मुनियों को बच्चों ने कहा कि भाई ऋषियों ने इतनी बड़ी शिक्षा दी है तो कोई दान में दे, तो गुरु दक्षिणा दे रहे थे। उस टाइम में एक नाग था तर्षक, वो कुंडलों को लेके रेगिस्तान आए थे जहाँ वशिष्ठ जी ने वहाँ इंद्र का आह्वान किया था। आज भी वशिष्ठ आश्रम जाते हैं कि तो हाथ जोड़ के खड़े इंद्रदेव अभी भी है। इंद्रदेव कहने लगे कि आप तो देवों के भी गुरु हो, कोई आज्ञा दीजिए। इंद्रदेव के वजह से बहुत बड़ा खड्डा हो गया था आश्रम में। नंदनी गाय रहती थी, अभी भी है वो गाय, वो गिर गई। ये देवी सरस्वती को प्रकट होना पड़ा। देवी सरस्वती प्रकट हुई और फिर गाय को निकाली, फिर आश्रम से जाने लगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि एक श्राप मुक्त किया श्राप से, जो एक धारा वहाँ बहती है, क्योंकि प्रभु का श्राप था सरस्वती को। तो एक धारा कहीं भी टाइम में देखो तो वहाँ निकलती है। फिर देवों ने कहा कि भाई ऋषि मुनि के आपके आश्रम के बाहर तो इतना खड्डा है, उसका कोई उपाय करो। तब ये अबरुद्धा अचल पर्वत को बुलाया। अबरुद्ध नाग ने लाकर एक ब्रह्मखाई में स्थापना की। फिर भूकंप आने लगे, तब वापस देवता गए वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी ने समाधि ध्यान करके देखा कि महादेव के निवास न रहने से भूकंप आ रहे हैं। तो इस जगह उन्होंने अंगूठे का सारा पैर का अंगूठे का जी आबू राज धरती पे अचल हो गया। ये असलेश्वर महादेव, ये भगवान।